हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ छोले से बने हुए कटलेट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो खाने में बहुत टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने होममेड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो इसके लिए देखिए, मैंने लिए है एक कटोरी उबले हुए छोले। इसको हम मिक्सी में डाल लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। दोस्तों, हमारी छोले की सब्जी बच जाती है तो आप उसको फेंक देना, बल्कि उसमें से छोले अलग करके उससे भी ये रेसिपी बना सकते हो, और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने छोले का एक बारीक पेस्ट बना लिया है, ये देखिए। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये देखिए, एक बर्तन ले लिया है मैंने। अब इसको हम इसमें निकाल लेंगे। मैंने इसको निकाल लिया, अब इसको साइड में रख देंगे। मैंने एक शिमला मिर्च ले ली है, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे, और एक प्याज को भी हम लंबा लंबा बारीक बारीक काटेंगे, और चार पांच हरी मिर्च को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। जो हमने छोले का पेस्ट बनाया था उसमें ये सारा सामान हम डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी शिमला मिर्च, और फिर इसमें हम डाल देंगे एक प्याज, फिर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये देखिए, मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और मैंने एक आलू छील के ले लिया है। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, मैं बड़े वाले हिस्से की तरफ से कद्दूकस कर रही हूँ। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू को हम अच्छे से धो लेंगे, जब तक पानी बिल्कुल साफ ना हो जाए तब तक हम आलू को अच्छे से धोएंगे। ये देखिए, आलू को मैंने दो बार धो लिया है। अब एक बार और आलू को मैं दूंगी। अब ये देखिए, आलू का पानी बिल्कुल साफ है, तो अब हम आलू को इसमें से निकाल लेंगे और पानी को हम अलग कर देंगे। अब हम इसको अपने मिक्सर में डालेंगे। ये देखिए, मैंने आलू को अच्छे से हाथ से निचोड़ लिया था, इसका पानी पूरा निकाल लिया था। अब आलू को हम इसमें डाल देंगे। दो स्पून इसमें हम अरारोट डालेंगे। आप चाहो तो इसमें आप चावल का आटा भी डाल सकते हो। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हाफ स्पून कस्तूरी मेथी। अब हाफ स्पून से भी कम इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। हाफ टी स्पून से भी कम इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें हम साबुत धनिया क्रश किया हुआ डाल देंगे, स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। ये हाफ स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। सभी सारे सामान को हम अच्छे से मिला देंगे हाथ से। ये देखिए, इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला है, ऐसे ही इसको हम मिला देंगे, क्योंकि सभी सब्जियों में और आलू में हमारे में पानी है, तो इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा ब्रेड क्रम ले लिया है। अब जो हमने पेस्ट बनाया था उसमें से हम थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और हाथ से उसको एक कटलेट की शेप दे देंगे। आप चाहो तो इसे राउंड वाली शेप भी दे सकते हो, या इसे आप और कोई भी शेप दे सकते हो। फिर इसको हम ब्रेड क्रम में कोट कर देंगे। दोनों तरफ से अच्छे से हम ब्रेड क्रम में इसको कोट करेंगे। ये ब्रेड क्रम मैंने देखे घर पे ही बनाया हुआ है। जो हम कुछ बनाते हैं तो ब्रेड बच जाती है, तो उसको ही आप मिक्सी में पीस कर घर पे ही ब्रेड क्रम भी बना सकते हो।
अब ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से ब्रेड क्रम में कोट कर दिया है। ऐसे ही हम फिर से थोड़ा सा बैटर लेंगे और उसकी ही भी ऐसे ही शेप देकर हम उसको ब्रेड क्रम में कोट कर देंगे। ऐसे ही हम सारे अपने कटलेट बना लेंगे। अब ये देखिए, हमने सारे कटलेट बना लिए हैं। अब ये देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है। अब तेल गरम हो गया है, अब इसमें हमने जो कटलेट बनाए हैं वो इसमें हम डाल देंगे। आप एक बार जितने आए तो उतने ही कटलेट इसमें डालिए और गैस को मीडियम रखिए। अब इनको हम दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ये हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। और जो बचे कटलेट उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे सारे कटलेट बनकर रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। एक एक करके हम इसको प्लेट में रखेंगे। आप इसे चाहो तो सॉस के साथ, चाय के साथ या ऐसे भी इनको आप खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार आप भी ऐसे आप जरूर बनाकर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते तो आप इस तरह बनाकर इसमें और भी सब्जियां डालकर इसको बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में आप पैक कर सकते हो। आप इनको तवे पर भी बनाकर, जैसे हम रोटी बनाते हैं, ऐसे ही आप इसको रोटी की टाइप में बनाकर तवे पर भी बच्चों को दे सकते हो, अगर आप तला हुआ खाना पसंद न करें तो। इस तरह आप बच्चों के लंच बॉक्स में इसको पैक करके दें, बच्चे पूरा लंच फिनिश करके आएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल होममेड रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।